कॉम्पिटेटिव स्टडी सर्किल से मैं संतोष यादव आपका स्वागत करता हूं। आज अपन ज्यामिति की सेकंड क्लास पर चर्चा करेंगे। पहली क्लास में अपन ने कुछ परिभाषाओं के बारे में, रेखा एवं कोण की कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा की थी। एडवांस में अपना पोर्शन ज्यामिति का चल रहा है, तो ज्यामिति की आज अपनी सेकेंड क्लास होगी। तो ज्यामिति की आज सेकेंड क्लास पर अपन चर्चा करेंगे। तो ज्यामिति में अपन ने देखा था, पहला टॉपिक अपना था रेखा एवं कोण। तो पहला टॉपिक था अपना ज्यामिति के अंतर्गत रेखा एवं कोण, जिसमें अपन रेखा पे चर्चा कर चुके थे, कोण पे चर्चा कर चुके थे। आज अपन कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, और यहाँ से आपको ध्यान रखना है क्योंकि परिभाषाएं अपन ने पढ़ी थी वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे सारे के सारे आपके इन्हीं प्रॉपर्टी से बनेंगे। तो आपकी 4 से 5 प्रॉपर्टियाँ होती हैं रेखा एवं कोण में, उन प्रॉपर्टियों को अच्छे से आपको याद रखना है। तीसरी अपनी जो क्लास होगी उसमें अपन सारे प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, और टफ से टफ लेवल के क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टियों की चर्चा अपन करते हैं। सिंपल सी 3-4 प्रॉपर्टियाँ हैं, समझना, एक एक से अपन समझते हैं उनको। उसके बाद तीसरी क्लास में क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। देखते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी की अपन चर्चा कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी में दो रेखाएं अपन ले लेते हैं। दो रेखाएं यहाँ पे ले ली, नाम दे देते हैं इनको ए बी, एक को नाम दे देते हैं सी डी। अब यहाँ पे देखो कुछ कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। अगर मैं इस कोण की बात करूं तो यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, यहाँ पे मान लो ये कोण है आपका X1, इसको मान लेते हैं X2, इसको मान लेते हैं X3 डिग्री, और इसको मान लेते हैं X4 डिग्री। तो ये 4 कोण यहाँ पे बन रहे हैं। देखो कोई भी दो प्रतिच्छेद रेखाएं, तो दो प्रतिच्छेद रेखाओं के बीच में कितने कोण बनते हैं, यहाँ पे 4 कोण बनते हैं। तो दो प्रतिच्छेद रेखाओं के बीच में 1, 2, 3, 4 कोण बनते हैं। इन कोणों में देखो, एक इन कोणों में अगर मैं बात करूं यहाँ पे X1 डिग्री की, तो X1 डिग्री हमेशा किसके बराबर होगा, X2 डिग्री के, और X3 हमेशा बराबर होगा X4 के। कैसे होगा देखो, आमने सामने के कोण जो है इनको कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। यानी कोई भी दो रेखाएं यदि प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच जो कोण बनते हैं, कौन से वाले, शीर्षाभिमुख कोण, हमेशा कैसे होते हैं बराबर। अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो हमेशा याद रखना इसमें X1 डिग्री बराबर X2 डिग्री होगा। दूसरी अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे देखना सभी लोग, X3 डिग्री बराबर हो जाएगा X4 डिग्री। तो कोई भी दो रेखाएं जो आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, उनके बीच में जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं हमेशा उनके मान कैसे होते हैं बराबर। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी है आपकी पहली, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं बराबर, आपको इसको याद रखना है। क्लियर हो गई बात? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी दो प्रतिच्छेद रेखाओं के बीच में बनने वाले जो शीर्षाभिमुख कोण है, यानी X1 X2 हमेशा बराबर होंगे, और X3 और X4 हमेशा बराबर होंगे। क्लियर? तो लिख लेना कि कोई भी दो प्रतिच्छेद रेखाओं के बीच बनने वाले जो शीर्षाभिमुख कोण है हमेशा कैसे होते हैं बराबर। क्लियर हो गई बात? तो सेकंड प्रॉपर्टी की अब अपन चर्चा करते हैं। चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ पे चाहो तो लिख लेना कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये पहली प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी पे अपन चर्चा करते हैं। एक सीधी रेखा पे अगर अपन बात करें, कितने भी कोण बन जाए, मान लो यहां और भी अपन कोण बना लेते हैं, तो सीधी रेखा पे जितने भी कोण बनेंगे, मान लो ये X1 डिग्री है, ये X2 डिग्री है, ये X3 डिग्री है, मैंने 3 कोण बनाए, तो एक सीधी रेखा है ये। एक सीधी रेखा पे जितने भी कोण बनेंगे उनका टोटल योग आप जब भी करोगे तो 180 डिग्री निकलेगा। क्लियर हो गई बात? सरल सी प्रॉपर्टी है, एक सीधी रेखा कहीं पे भी आपको मिलती है तो तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। देख लेते हैं, अगर मैं इसको लिखूंगा तो X1 डिग्री प्लस X2 डिग्री प्लस X3 डिग्री बराबर, बताएं कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है?
कुछ नहीं करना है, एक सीधी रेखा होगी, सीधी रेखा पे जितने भी कोण बनेंगे, मान लो एक और भी होता तब भी उनका योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी एक सीधी रेखा पे जो भी कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। चलो आगे देखते हैं, चाहो तो यहाँ लिख भी लेना कि सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक सीधी रेखा पे जितने भी कोण बनेंगे सभी का योग कितना होगा 180 डिग्री। सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, दो प्रॉपर्टियां कवर कर ली अपन ने। यदि दो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तो उनके बीच जो शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। एक सीधी रेखा यदि होती है तो सीधी रेखा पे जो कोण बनेंगे वो कितने के बनेंगे 180 डिग्री के। क्लियर हो गई बात। थर्ड प्रॉपर्टी पे चर्चा करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर यहां पे अपन बात करें तो देखो, एक बिंदु होता है, एक बिंदु के चारों तरफ टोटल कोण बनता है 360 डिग्री का। तो एक बिंदु के चारों तरफ जितने भी कोण बनेंगे रेखाओं के द्वारा उनका योग क्या होगा 360 डिग्री। कैसे देखो, तो मैं इस तरीके से बना लेता हूं। एक मान लो ये बिंदु है, इसके चारों तरफ कुछ कोण अपन बना लेते हैं, जैसे एक कोण ये हो गया, 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 ये है, ये है और ये। तो ये कोण बने हैं, मान लो नाम देते हैं x1 डिग्री, x2 डिग्री, x3 डिग्री, x4 डिग्री, x5 डिग्री, x6 डिग्री, x7 डिग्री, x8। तो सभी कोणों का योग, यानी अगर अपन बात करते हैं यहां पे देखो, x1 डिग्री प्लस x2 डिग्री प्लस x3 डिग्री प्लस x4 डिग्री प्लस x5 डिग्री प्लस x6 डिग्री प्लस x7 डिग्री प्लस x8 डिग्री, सभी कोणों का योग होगा 360 डिग्री। अगर चाहो तो ये भी कह सकते हो, यहाँ चाहो तो लिख भी सकते हो, आप लिख ये सकते हो कि एक बिंदु के चारों तरफ के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो इसको आप नोट भी कर सकते हो कि एक बिंदु के चारों तरफ यदि सभी कोणों का अपन योग करेंगे तो हमेशा कितना निकलेगा 360 डिग्री। वैसे ही पता होगा आपको एक वृत्त कितने का होता है, पूरा वृत्त 360 डिग्री। क्लियर हो गई बात। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब अपन बात करेंगे चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, तीन प्रॉपर्टी अपन कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें अपन चौथी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। सिंपल सी बात याद रखना, देखो काफी महत्वपूर्ण भी है। दो समांतर रेखाएं अपन ले रहे हैं, एक ए बी ले लेते हैं और एक सी डी। एक ए बी है और एक क्या है सी डी। एक लेते हैं त्रियक रेखा, इसको नाम देते हैं एल और इसको नाम देते हैं ए। क्लियर है। तो यहां याद रखना कि ए बी समांतर है किसके, सी डी। और यहाँ पे एल एम जो है, एल एम कैसी है, त्रियक रेखा। ठीक है, तो दो रेखाओं को यदि एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे कुछ कोण बनते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा लेते हैं अपन। चलो यहाँ कुछ कोण बनते हैं, कोणों के बारे में बात करेंगे। देखो एक कोण ये बनता है आपका, एक कोण ये बनता है, एक कोण ये बनता है, एक कोण ये बनता है। ऐसे यहाँ पे एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा और एक कोण ये बनेगा। नाम लेते हैं कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, कोण पांच, कोण छह, कोण सात और ये कोण आठ। यानी दो समांतर रेखाओं पर यदि एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो टोटल कोण कितने बनते हैं, आठ कोण बनते हैं। और इनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो यहाँ से चार अपन बातें देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, उनको आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो कौन कौन सी बातें। पहली बात हम करेंगे किस पे,
संगत कोण पे। तो देखो पहला अपन यहीं पे लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं संगत कोण। संगत कोण के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो संगत कोण के बारे में यदि अपन बात करें तो संगत, संगत का मतलब ही होगा लगभग एक समान दिखने वाले। तो यहाँ पे देखो एक पोर्शन तो ये बन जाता है, यानी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, ये तिर्यक रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कि यहाँ पे तो दोनों में लगभग समानता होगी। अब संगत कोण की बात करें, जैसे देखो कोण एक की बात करें तो लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, और कौन सी साइड है, दाहिने साइड या बाएं साइड, लाइन के ऊपर बाएं साइड, तो यानी एक किसके जैसा होगा, पांच के जैसा। तो संगत कोण हमेशा कैसे होते हैं, तो याद रखना संगत कोण लिख लेना, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और होंगे कौन कौन से, देखो अगर मैं बात करूंगा कोण एक की तो बताओ किसके बराबर होगा, कोण पांच के। कोण दो की अगर मैं बात करूंगा, कोण दो बराबर किसके होगा, कोण छह के। अगर मैं कोण चार की बात करूंगा तो बराबर होगा कोण आठ के। अगर मैं बात करूंगा कोण तीन की तो बराबर होगा कोण सात के। देखो संगत कोण कैसे होंगे, संगत कोण हमेशा ही होते हैं कैसे, बराबर। क्लियर हो गई बात। देखो लाइन के नीचे ये दो कोण है, ये लाइन के ऊपर दो कोण है, यानी ये अंदर वाले कोण है, इसलिए कोण चार तीन पांच और छह को कहा जाता है अंता कोण। अगर मैं बात करूंगा एक दो सात और आठ, इनको कहा जाता है बाह्य कोण। तो ये तो अंतः कोण हो गए, लाइन के अंदर है, ये लाइन के बाहर वाले जो कोण है ये क्या है, बाह्य कोण। तो चार अंतः कोण है इसमें हमारे, चार कोण से है बाह्य कोण। क्लियर हो गई बात। संगत कोण की अगर अपन बात करेंगे तो देखो कोण एक किसके बराबर, पांच के, चार आठ के, दो छह के, तीन सात के। तो पहला तो संगत कोण बराबर होते हैं, दूसरा इसी में अपन देखेंगे, यहां अपन लिख देते हैं एकांतर कोण भी कैसे होते हैं बराबर। तो यहां लिखेंगे एकांतर कोण, तो एकांतर कोण भी लिखते हैं अपन, तो एकांतर कोण भी क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण होंगे कौन से, देखो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब यहां आप देखेंगे एकांतर कोण में क्या होगा, देखो यहां से आप चलो इस पॉइंट तक आओ, फिर यहां चलो, यानी जेड जैसी आकृति बना के आपको चेक कर लेनी है क्वेश्चन में। यहां से चलेंगे इस पॉइंट पे आएंगे, फिर यहां पे आए, यहां पे देखो एक ये कोण बनेगा, एक ये कोण बनेगा, तो ये दोनों कैसे एकांतर कोण हमेशा कैसे होंगे बराबर। तो मैं कह सकता हूं इसमें कि एकांतर कोण में कोण चार बराबर कोण छह, दूसरा कोण तीन बराबर कोण पांच। तो ये कोण चार छह के बराबर होगा, कोण तीन किसके बराबर होगा, पांच के बराबर होगा। अब देखो ये होते हैं एकांतर अंतः कोण है, बाह में भी एकांतर बाह कोण भी बन जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आप देखोगे, क्वेश्चन जब आप करोगे तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको एकांतर अंतः कोण की, बाह कोणों की आपको बहुत कम जरूरत पड़ती है, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए। तो देखो बाह अंत, देखो चार छह के बराबर है, तो बाह में भी आप देखोगे तो एक किसके बराबर होगा, सात के, और दो किसके बराबर होगा, आठ के। तो ये एकांतर अंतः कोण थे, ये बन जाएंगे एकांतर बाह कोण। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसमें मैं इन दोनों को लिख देता हूं, ये वाला ये दोनों कैसे हैं, एकांतर अंतः कोण। ये एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसी में बन जाएंगे आपके एकांतर बाह कोण कौन कौन से। देखो अगर मैं बात करूंगा कोण एक बराबर कोण सात, कोण दो बराबर कोण आठ, ये हो जाएंगे एकांतर बाह कोण। ये भी आपस में कैसे होंगे, ये भी बराबर होते हैं, मैंने पहले लिख दिया था एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर वाह कोण हो चाहे एकांतर अंतः कोण हो, इनके मान हमेशा आपस में कैसे होंगे, बराबर। अब इसी में अपन बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, यहां दो प्रॉपर्टी अपन ने देखी, तीसरी की बात करते हैं, इसको हटाते हैं। इसी के तहत अपन तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, इसी के तहत जो अपन चौथी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, इसी के तहत तीसरी जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो यहाँ अंत एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और एक ही ओर के वह कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीसरी पहले अपन बात कर लेते हैं, अगर मैं बात करूंगा, देखो
कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं, इसमें स्टार लगा के हम ये कह सकते हैं कि एक ही कोण के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे आप, यहाँ पे भी आप कह सकते हो, अगर मैं बाह कोणों की बात करूंगा तो देखो कोण एक, एक ही ओर के बाह कोण, तो कोण एक प्लस कोण आठ बराबर कितना होगा 180 डिग्री, कोण दो प्लस कोण सात बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि एक ही ओर के बाह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा और एक ही ओर के बाह कोणों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री। ये चौथी प्रॉपर्टी थी। अब पांचवी प्रॉपर्टी के बारे में अपन चर्चा करते हैं, इसको खत्म करते हैं। देखो पांचवी प्रॉपर्टी में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी दो कोई समांतर रेखा लेते हैं, एबीसीडी कंडीशन वही रखते हैं, ए बी और सी डी, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, एक त्रियक रेखा इनको प्रतिच्छेद करेगी। देखो एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा, ये दो कोण यहाँ बनते हैं। देखो अगर मैं कोण का समविभाजक यहाँ पे खींचता हूँ, इस कोण का समविभाजक यहाँ खींचू, इस कोण का समविभाजक खींचू और इस कोण का समविभाजक खींचू, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे बनेगा ये हमेशा समकोण होंगे, यानी कितने के होंगे, ये 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं, देखो कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक का मतलब है कि ये वाला जो कोण होगा उसको दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, कोण समद्विभाजक। तो यहाँ मैं कोण समद्विभाजक खींचता हूँ, एक कोण समद्विभाजक यहाँ खींचता हूँ, तो दोनों यानी एक ही ओर के अंतः कोणों के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया जो कोण होता है हमेशा ये कैसा होता है, ये हमेशा होगा समकोण, और ये भी हमेशा कैसा होगा समकोण। अगर चाहो तो लिख भी सकते हो, यहां पे मैं लिख देता हूं स्टार लगा के, एक ही ओर के अंतः कोणों के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण समकोण होता है। इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, ये पांचवी प्रॉपर्टी थी। इसके बाद अपन सिंपल सी दो प्रॉपर्टियों पर और चर्चा करते हैं, हटाते हैं इसको। छठवीं प्रॉपर्टी पर अपन चर्चा करते हैं। छठवीं प्रॉपर्टी में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो अगर अपन बात करते हैं, मान लो यहाँ पे अपन ने इसको ओ नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं सी। मान लो एक कोण यहाँ पे बना है एक्स वन डिग्री, एक कोण यहाँ पे बना है एक्स टू डिग्री। तो देखो यदि मैं यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे अपन बात करते हैं किसी, इसमें अपन बात करेंगे पूरक कोण की। हमेशा याद रखना अगर x1 डिग्री प्लस x2 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये कहलाएंगे कौन से कोण, पूरक कोण। यानी किसी भी प्रकार के कोई भी कोण होते हैं यदि उनका योग 90 डिग्री हो जाता है, चाहे दो कोण हो, तीन हो, चार हो, सभी का मिला के योग यदि 90 डिग्री हो गया तो वो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो एंगल लिए हैं, दोनों का योग यदि 90 डिग्री हो जाता है तो अपन कहेंगे आपस में एक दूसरे के क्या है, पूरक। तो पूरक कोण इनको कहा जाता है। इसके साथ अगर इंग्लिश में अपन बात करें तो इनको एक नाम और दिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
सिंपल सी बात है, यदि कोई भी दो कोणों का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो कोई भी दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो जाता है तो उनको कह सकते हैं पूरक कोण कह सकते हैं, अपोटी पूरक कोण कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। जैसे x1 प्लस x2 कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पे अपन चर्चा करते हैं। तो ये पूरक कोण के बारे में बात की अपन ने, अब अपन बात कर लेते हैं सातवीं प्रॉपर्टी। ठीक है, सातवीं प्रॉपर्टी में सिंपल अपन एक लाइन बनाते हैं, एक सिंपल लाइन अपन यहाँ पे बना लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे मैंने बना दिया कोण, एक ये बना दिया, एक ये कोण बना दिया, ये x1 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, x2 डिग्री। अगर x1 डिग्री प्लस x2 डिग्री बराबर हो जाता है 180 डिग्री, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं समपूरक कोण। ठीक है, अगर कोई भी दो कोण हो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सबका योग यदि 180 हो जाए तो उन सबको मिला के कह देंगे ये कैसे कोण है, आपस में समपूरक है। यहाँ पर मैंने x1 x2 दो लिए हैं, तो x1 डिग्री x2 मिला के 180 हो गए, तो हमने कह दिया इनको कि ये कैसे कोण होंगे, समपूरक कोण होंगे। वहीं पे अगर समपूरक की बात करें तो इंग्लिश में भी एक नाम होता है इनका, कभी कभी हिंदी में भी वही लिख के देते हैं, तो देखना पड़ेगा आपको, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल की अगर अपन बात करें तो इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। बस लास्ट प्रॉपर्टी की बात अपन कर लेते हैं। चल लास्ट अपन आठवीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो कुछ नहीं है इसमें, अगर मान लो मैं इस तरीके से बना लेता हूं, मान लो मैंने ये बना दिया, अब ये मैंने नाम दे दिया इसको ओ ए बी, और एक ये लाइन थी इसको मैंने नाम दे दिया सी। अब यहाँ पे मान लो एक x1 डिग्री हो गया, ये x2 डिग्री हो गया। तो देखो x1 डिग्री x2 डिग्री में एक भुजा कॉमन है या नहीं, x1 डिग्री x2 डिग्री दोनों के लिए एक भुजा कॉमन है, और कोई भी दो कोणों के लिए यदि एक भुजा कॉमन हो तो उनको कहा जाता है आसन कोण, ये पूछ लिया जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे, x1 डिग्री, और अगर अपन ने बराबर नहीं होते लेकिन x1 डिग्री और x2 डिग्री ये दोनों कैसे कोण है, आसन कोण। और परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लेना कि कोई भी दो कोणों के लिए एक भुजा समान हो क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। इन प्रॉपर्टियों को आप तैयार करो, अगली क्लास में अपन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और शानदार क्वेश्चन अपन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिंपल सी 7-8 प्रॉपर्टियों पे अपन ने चर्चा की है, बस ये प्रॉपर्टी आपको आती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेहतरीन तरीके से अपन क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।